ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जी आज हमारे साथ सर्विंग वाले स्टूडियो में बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, आपके नवयुक्त कार्यकर्ता है प्रमोद कपरवान जी। आइए सीधे ले चलते, क्या जानने की कोशिश करते हैं राजनीति प्रक्रिया को लेकर, जिस तरीके से बहुत सारे उनके तजुर्बा है। आज से नहीं पिछले बात करें कि इनके जो राजनीतिक क्षेत्र कार्यक्रम रहा है तो पिछले 20 और 25 साल का तजुर्बा है, उम्दा तजुर्बा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है, आप अभी ज्वाइन करने से पहले क्या थे, आज क्या महसूस कर रहे हैं। जी कपरवान जी, हमारे श्रमिक बंद स्टूडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ले जाना चाहूँगा किस तरीके से क्या तजुर्बा है आपने आज इस स्टूडियो में मुझे आने का अवसर दिया, और आपने कहा कि भाई आप ज्वाइन करने का, तो निश्चित रूप में आलोक भाई मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में भी मैंने लगभग 10 वर्ष में कांग्रेस में रहा, और कांग्रेस में जो मैंने काम किया निश्चित रूप में मेरा शुरू से विजन रहा कि राजनीति हम सेवा के लिए, राजनीति एक कोई एकमात्र सेवा का कार्य है, और उससे हमारा कोई धन उपार्जन का कोई मतलब रहता नहीं है। और जब आपने व्यक्ति सेवा के लिए काम करता तो वो सेवा के भाव से ही उसको लेना चाहिए। मैंने देखा कि आज जिस तरह से राष्ट्रीय दलों में राजनीति के नाम पर लोग जो है उसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं, राजनीति का व्यवसायीकरण जो हुआ, और कम से कम मैं देखता हूँ कि राष्ट्रीय दलों में लोग इसलिए जो है राष्ट्रीय दलों में काम कर रहे हैं कि भाई उनको जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़ी बड़े उनको जो है क्लब लगे हुए कुत्ते चाहिए, और ये सब आवश्यकताएं पूरी तब होंगी जब आप जो है अधिक रूप में आप भ्रष्टाचार करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यदि हमें पैसा ही कमाना है तो हमें व्यापार करना चाहिए। कपरवान जी, क्या माने कि यहाँ भी आपका तजुर्बा ही काम आएगा, बहुत कम समय में आप एक पार्टी को, भाजपा पार्टी सबसे बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताती है, उसको पहचान लिए बहुत कम समय में, यहाँ भी आपका तजुर्बा, पिछला जो कांग्रेस का तजुर्बा रहा यहाँ भी आपको यही काम आएगा मानते हैं इस बात? निश्चित रूप में मैं आपको बताऊँ कि मैं जब ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मैं उस विधानसभा चुनाव को इनको बड़ी बारीकी से, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई काम ऐसा था नहीं, उस समय विधानसभा के चुनाव थे नहीं, तो मैं उस चुनाव को देख रहा था, राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो मैं देख रहा था कि जो हमारी पार्टी के लोग थे, मैं क्या पूरी दुनिया ने देखा कि भाई हमारे कम से कम 450 सांसद, कम से कम 22 राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री, और लगभग मैं समझता हूँ कि केंद्र के सारे मंत्री, इतना ही नहीं गृह मंत्री हमारे जो है डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग कर रहे थे, और उसके बावजूद भाई आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूँ दिल्ली में, दिल्ली भी बहुत बड़ा प्रदेश है नहीं, छोटा ही प्रदेश है, लेकिन दिल्ली में मैं उनका भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा भाई कि मुझे वोट तभी देना यदि मैंने काम किया हो। और मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में ये पहला व्यक्ति है जिसने चुनाव में ये कहा हो कि मुझे वोट तब देना यदि मैंने काम किया हो, और उसके बावजूद आप देखें कि आप 63 सीटों पर, उनको 63 सीटें दिल्ली में मिली हैं। तो क्या माने अरविंद केजरीवाल के उसी शब्द को लेकर इंस्पायर हुए कि उसने कहा था कि मुझे, मैंने काम किया तो मुझे वोट देना अदरवाइज नहीं देना, इसी बात से इंस्पायर होके आप आगे ज्वाइन किया? निश्चित रूप में आलोक जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक व्यक्ति है वो समाज का दर्पण है, उसके पीछे बिना योग्यता पूछे मैं समझता हूँ कि सारे लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, और जो राजनीतिक व्यक्ति का जो चरित्र होना चाहिए वो साफ सुथरा चरित्र होना चाहिए, और वो चरित्र मुझे अरविंद केजरीवाल जी में दिखाई। तो क्या महाराज दो राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ के आप त्याग करके यहाँ पे हैं, यहाँ पे समावेश आपके जो जो कद है उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ पे समावेश हो पाएगा आपको? हाँ निश्चित रूप में, ठीक है, पार्टी जो है उत्तराखंड में प्रयास कर रही है और जन मुद्दों को लेकर के काम कर रही है, और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आम आदमी की लड़ाई लड़ने का जो मेरा संकल्प था, हम ये सोचते थे कि भाई हम आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे, जो शोषित वंचित गरीब जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है,
जो 2 जून की रोटी का जुगाड़ जो कर नहीं पाता उसकी लड़ाई लड़ने का मन था, और मुझे लगा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी गरीब शोषित वंचित लोगों की सेवा करने का काम करेगी। नौजवान जो शिक्षित नौजवान हैं उनकी लड़ाई लड़ेगी, उसको लेकर के मैं आम आदमी पार्टी में मैं शामिल हुआ। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो प्रदेश प्रभारी हैं आदरणीय दिनेश मोहनिया जी, आदरणीय हमारे जो चौधरी साहब हैं जो हमारे सह प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एस एस किलेर जी, उन्होंने मुझे बेवाला में जो है विधानसभा का प्रभारी बनाया। और इतना ही नहीं, जबकि अभी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होनी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे इस प्रदेश का पार्टी का प्रवक्ता भी नियुक्त किया। तो निश्चित रूप में आम आदमी पार्टी ने हमारी भावनाओं को समझा और भावनाओं के अनुरूप तो उन्होंने हमें काम पे लगाया। ये थे हमारे साथ बहुत ही कर्मठ और समाज सेवी, काम करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कामयाबी अपने स्तर पे हासिल कर ही लिया है।